नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद पहुंचे हैं, जहां आयोजित होने वाले प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल होने के लिए योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद पहुंचे और मुरादाबाद में दिल्ली रोड पर मौजूद सर्किट हाउस के पास के मैदान में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ ही सभी कार्यकर्ता बड़ी मात्रा में उपस्थित रहे हैं। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री ने इस सम्मेलन से तकरीबन 430 करोड़ की कई परियोजनाओं विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया है, और जिसमें मुख्य रूप से उज्ज्वला योजना, आयुष्मान गोल्डन कार्ड का वितरण, महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था और प्रधानमंत्री आवास योजना आदि के लिए आवेदन करने वाले लाभान्वितों को सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो हमेशा विकास में बाधक रहे, जबकि भारतीय जनता पार्टी मुरादाबाद के पीतल कारोबारियों और कारीगरों का उत्साहवर्धन कर रही है। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं का लोकार्पण करते हुए कंट्रोल कमांड सेंटर का जिक्र किया कि अब लुटेरे को शहदों की खैर नहीं है। कैमरे की नज़र में आने पर एक चौराहे पर अपराध करने के बाद उन्हें दूसरे चौराहे पर गिरफ्त में ले लिया जाएगा। इस अवसर पर शहर के सम्मानित प्रबुद्ध जनों को इस सम्मेलन में सम्मानित किया गया। प्रत्येक वर्ग के प्रबुद्ध जवन और अध्यापक अध्यापिकाओं को आमंत्रित करके इनका सम्मान किया गया है और इन प्रबुद्ध जनों की सेवाओं के प्रति आभार भी प्रकट किया गया है। रामपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव में अपने प्रत्याशी आकाश सक्सेना के लिए रामपुर की जनता से वोट के लिए अपील की है, और साथ ही सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से सपा के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान पर कई सवाल दागे हैं। उन्होंने कहा है कि आजम खान को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए और वो कहते हैं कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, सरकार किसी के साथ कोई अन्याय नहीं कर रही है, आजम खान को अपनी करनी तो फल मिल रहा है और सारा मामला कोर्ट में है और साक्ष्य सबूत के साथ उनको सजा मिल रही है। इसके अलावा उन्होंने आजम खान को नसीहत देते हुए कहा कि आजम खान अपनी बदजुबानी पर रोक लगाए। लेकिन आपके आपने सांसद जिता के भेजा एक मैसेज गया कि रामपुर भी विकास के साथ जुड़ना चाहता है। विधायक चुनाव जिता करके भेजेंगे एक मैसेज होगा, रामपुर अब उन अवसरवादी हाथों के खिलातों का खिलौना नहीं बनेगा जो 200 वर्ष पुराने मदरसे को बंद करके अपनी जागीर बनाने का काम करते थे, जो यहां के ऐतिहासिक पांडुलिपियों को जबरन चोरी करवा करके उनको नष्ट करना चाहते थे। एक धरोहर थी रामपुर की, लेकिन रामपुर की इस धरोहर को नष्ट करने का काम किया गया, पांडुलिपियों को नष्ट करने का काम हुआ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में आके ठहरते थे उसको जबरन कब्जा करने का प्रयास हुआ। खबर प्रयागराज से है। प्रयागराज में पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा ने अपना कार्यभार जो है वो ग्रहण किया है, और साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारी प्राथमिकता कानून व्यवस्था को बनाए रखना है और जिले की बॉर्डर सिक्योरिटी सुनिश्चित करना हमारा काम है, साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने हिदायत देते हुए कहा है कि किलो एंड ऑर्डर का सख्ती से पालन किया जाएगा। कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर इन दिनों आगरा में हैं और अपनी मां का जन्मदिन मनाने के लिए शशि थरूर आगरा में आए थे, और ताजमहल देखने के बाद परिवार सहित वो आगरा किला पहुंचे। यहां उन्होंने गाइड से आगरा कोर्ट के बारे में जानकारी ली। शशि थरूर से जब बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने इसको लेकर विजिट बताते हुए अपना निजी विजिट बताते हुए बात करने से इनकार कर दिया है।
यूपी के गोंडा जिले में जिला महिला अस्पताल में भर्ती प्रस्ताव महिला को 3 वर्षीय बच्ची की लापता हो गई है और जिसके बाद पुलिस ने परिजनों को शिकायत पर पुलिस ने बच्ची का अपहरण सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस ने बच्ची गायब होने के बाद बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन सहित दुकानों के सीसीटीवी खंगालने में जुट गई है और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कोतवाली नगर स्पॉट सर्विलांस साइबर टीम को लगाया था और पुलिस ने बच्ची को सकुशल बरामद भी कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में आशा बहू सहित 3 आरोपी को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि बच्ची अपने रिश्तेदार को बेचने के लिए ही अपहरण किया था और पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई में जुट गई है। जिला महिला चिकित्सालय जनपद गोंडा के वार्ड नंबर 205 से एक बच्ची के गायब होने की सूचना पर थाना कोतवाली नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज थाना कोतवाली नगर स्वाट टीम और महिला थाना द्वारा बड़ी सफलता हाथ लगी है। 24 घंटे के अंदर बच्ची को बरामद करते हुए 3 अभियुक्त सुषमा मिश्रा जो उमरी बेगमगंज की रहने वाली हैं और इसका भाई प्रदीप पांडे और एक अभियुक्ता शिवानी मजुमदार जो लखनऊ की रहने वाली हैं इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई कोतवाली नगर द्वारा की जा रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ गोंडा से संवाददाता अनुराग कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, बच्ची को बेचने का मामला सामने आया, पूरा मामला क्या है विस्तार से बताइए। जी बताना दर्शकों को कि गोंडा जिले में महिला अस्पताल में एक महिला एडमिट थी, उसके 3 साल की बच्ची बाहर खेल रही थी। खेलते थे आशा बहू जो सुषमा मिश्रा नाम की है, उस बच्ची को अपने भाई प्रदीप पांडे के मदद से अपहरण कर महिला जो लखनऊ निवासी है शिवानी मजुमदार उनको बेचने के लिए लखनऊ लेके चली गई। जब परिजनों को इसकी जानकारी हुई, परिजनों ने हंगामा शुरू किया। हंगामा करने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचे हैं तो अस्पताल सीसीटीवी शुरू किया तो अस्पताल में लगे सीसीटीवी फुटेज लगभग 30% खराब मिले। उसके बाद पुलिस इस मामले में परिजनों की तरफ मुकदमा दर्ज किया और आसपास के जो मेडिकल स्टोर है अस्पताल के बाहर उनके सीसीटीवी फुटेज खंगाले और सीसीटीवी फुटेज खंगाले के आधार पर इसकी पहचान हो सकी और इस महिला को पुलिस ने बस अड्डे से जो आशा बहू है सुषमा नाम की उसको बस अड्डे से बच्ची के साथ बरामद कर लिया। उसमें इस मामले में बढ़ने के बाद परिजनों के चेहरे खिल उठे और परिजनों ने थैंक यू गोंडा पुलिस कहा और 24 घंटे में गोंडा पुलिस ने इस बच्ची को सकुशल बरामद की है। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि अस्पताल से इस बच्ची को अपहरित कर लिया गया और बेचने के लिए लिया जाया जा रहा था लखनऊ, तो ये चौंकाने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं पुलिस इस पर आगे जांच काम कर रही है कि क्या इससे पहले भी कोई बच्चा चोरी हुआ है या आगे इस तरह की घटना की समावृत्ति ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन कार्रवाई में जुटी। फिलहाल इसमें जो टीम बरामद है कोतवाली से एसओजी टीम महिला थाने की पुलिस इसको इस टीम को एसपी व डीआईजी द्वारा 25,000 के इनाम की घोषणा देने की है कि क्योंकि बच्ची को 24 घंटे में सकुशल बरामद किया गया है। जी अनुराग बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की बात कही जा रही है, लेकिन आज गाजीपुर के जिला अधिकारी कार्यालय पर सरकार के इस कथन को एक महिला ने उस वक्त तार तार कर दिया जब उसने रो रो कर भू राजस्व अधिकारी और उनके पेशकार पर विपक्षियों से पैसा लेकर फैसला देने का आरोप लगाया। और इतना ही नहीं, उसका कहना है कि उनके पहले उससे 2 लाख मांगे गए और उसे इकट्ठा करने में थोड़ा लेट हुआ, जिसका फायदा उठाते हुए भू राजस्व अधिकारी पेशकार ने विपक्षियों से 5 लाख लेकर फैसला बदल दिया है। और इस तरह का महिला रो रो कर आरोप लगाई है और वहीं महिला ने न्याय को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर धरने पर बैठ गई है और धरने पर बैठने की जानकारी होते ही जिला प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे और इसकी जानकारी होते ही एसडीएम सदर और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को समझा बुझाकर और उससे संबंधित पत्र लेकर महिला को कार्रवाई का आश्वासन देते हुए उसे घर भेजे और एसडीएम सदर ने बताया है कि महिला ने जो आरोप लगाया है उसकी जांच कराई जाएगी। आज जो भेजा गया है यदि आदेश उनके पक्ष में नहीं हुआ है तो उस आदेश के लिए वो सक्षम न्यायालय में अपील दाखिल कर सकती हैं और उनके सारे पेपर्स हमने ले लिए हैं
का जो है उनके पेपर से पुनः हम लोग विचार करेंगे सारे पेपर्स देख के, जैसा होता है दो दिन के बाद हमने बुलाया है अवगत करा देंगे। उनका ये कहना था कि उनके पुरस्कार के द्वारा उनसे 2 लाख रुपया मांगा गया था और जब वो नहीं दे पाई है तो उनके पुरस्कार और सीआरओ साहब ने विपक्षियों से 5 लाख रुपए लेने का इस तरह का आरोप लगाया है, इस पर क्या कोई जांच होगी या क्या होगा? बिल्कुल जांच होगी। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें पब्लिक वाइज। फतेहपुर जिले में नेशनल हाईवे चौड़ीकरण में रोड़ा बन रहे 7 मकानों में बुलडोजर चलाकर जिला प्रशासन ने धराशाही कर दिया है। आपको बता दें कि मौके पर पहुंचे एसडीएम सहित फोर्स ने एनएचआई के अधिकारियों के साथ मिलकर बुलडोजर चलाया, जिससे अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच रहा है और शहर के आरटीओ ऑफिस के पास एचआई द्वारा 6 लेन के कार्य में तेजी करवा दिया है, लेकिन ये 7 मकान के मालिकों द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद भी नहीं खाली कर रहे थे। वहीं एसडीएम सहित मौके पर पहुंचे भारी पुलिस फोर्स ने जेसीबी के जरिए मकान में दुकानों को ढहा दिया है। दी गई उनको सूचित किया गया कि आप लोग अपनी संरचनाएं हटा लें और उनके द्वारा संरचनाएं नहीं हटाई गई तब जाके आगे खाली कराने की प्रक्रिया की जा रही प्रशासन की उपस्थिति। कितने कितने घर गिराए जा रहे हैं, लमसम कितने घर इसकी जद में आ रहे हैं? 7 मकान आ रहे हैं। क्या उनको पहले भी समय दिया गया था? पहले का कई बार इनको तकरीबन 1 महीने से ऊपर तक पीरियड हो गए इनको भुगतान हुए और समय कई बार व्यक्तिगत रूप से इंफॉर्मेशन दिया गया। और इसी खबर पर हमारे साथ फतेहपुर से हमारे सहयोगी बबलू सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बबलू, क्या पूरा मामला है, 7 मकानों पर बुलडोजर चला है? जी मैं बता दूं, ये फतेहपुर जिले के निष्टू के पास बगल के मकान है जहां पर एनएचआई अधिकारियों ने उनका मुआवजा देने के बाद भी नहीं खाली कर रहे, तो इस वजह से एसडीएम सदर एसडीएम प्रशासन मौके पर पहुंचकर बुलडोजर के माध्यम से खाली करवाकर एनएचआई का काम पूरा करवाते हुए बताया है। बबलू, क्या कारण रहा है जो मकान गिराए गए हैं? ये दरअसल इनका कहना है, आरोप है कि हमारे मकान का अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया, मुआवजा की वजह से ये लोग इस पर कह रहे थे कि जब तक हम लोगों का छत मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक हम लोग खाली नहीं करेगा, पर प्रशासन जहां देखा गया कि प्रशासन का कहना है कि मुआवजा देने के बाद भी ये लोग खाली नहीं कर रहे थे और एनएचआई के अधिकारी व सदर एसडीएम फतेहपुर पहुंचकर मकान को बुलडोजर के माध्यम से ढहाया गया है। जी बबलू, जिस तरह से बताया जा रहा है कि मुआवजा देने के बाद भी मकान खाली नहीं किया जा रहा था और वहीं ये भी है कि 7 मकान अगर गिराए गए हैं तो उनके जो मालिक हैं उनकी क्या कुछ मांगे रही हैं अभी? उनकी मांगे ये रही थी कि हम लोगों का अगर ये मुआवजा समय से मिल जाता तो हम लोग कहीं और बना लेते, इस वजह से उनका यही कहना है कि अगर हम लोगों के पास छत नहीं बची है और हम लोग कहाँ रहेंगे। बिल्कुल बबलू, कितना नुकसान का आकलन लगाया जा रहा है? लगभग इसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पे लगभग 5 लाख के आसपास इनका नुकसान बताया जा रहा है। जी बबलू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे से जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। हरदोई में एक जलती हुई स्कूटी आग का गोला बन गई है और आग लगने के बाद किसी तरह कूदकर स्कूटी सवार युवक ने अपनी जान बचाई है। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया लेकिन तब तक स्कूटी जलकर खाक हो चुकी थी और स्कूटी में लगी आग की यह तस्वीर हरदोई जनपद के बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के रफला गाँव की बताई जा रही है। यहाँ एक युवक अपनी स्कूटी से जा रहा था और अचानक उसकी स्कूटी में आग लग गई। आग लगने से उसकी स्कूटी धू धू कर जलने लगी। किसी तरह कूद कर उसने अपनी जान बचाई। मोहल्ले के लोगों ने आग पर किसी तरह से काबू पाया है लेकिन तब तक आग लगने से स्कूटी पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी और स्कूटी में आग लगने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रही है। तो आपको हरदोई से खबर बता रहे हैं जहां पर स्कूटी जलकर खाक हो गई है। बताया जा रहा है कि चलती स्कूटी में ये भीषण आग लगी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से स्कूटी जलती हुई आग की लपटों में नजर आ रही है। वहीं स्थानीय लोगों ने किसी तरह आग को बुझाया है। बताया जा रहा है कि स्कूटी चालक जो है उसने स्कूटी से कूद कर अपनी जान बचाई है।
अंकिता हत्याकांड में सीबीआई जांच और वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग को लेकर 51 दिनों से चल रहे धरने और 17 दिन से चल रहे आमरण अनशन को लगातार कांग्रेस अपना समर्थन देने में लगी है और इसी कड़ी में उत्तराखंड के प्रतिपक्ष उपनेता और भुवन कापड़ी धरना पर स्थल पर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने सामूहिक अनशन पर बैठे लोगों की पीठ थपथपाई कर उन्हें हौसला भी दिया है। साथ ही सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अंकिता के हत्यारों को बचाने के लिए सरकार भले ही सबूत मिटाने का काम कर रही हो मगर कांग्रेस सच सामने लाने के पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि 5 युवा सामूहिक रूप से आमरण अनशन पर 6 दिनों से बैठे हैं मगर सरकार उनकी सुध लेने को तैयार नहीं है। ये हाल तब है जब सरकार के मंत्री का घर महज 100 कदम की दूरी पर है। देखिए अंकिता हत्याकांड जो एक जघन्य अपराध है जिसने पूरे उत्तराखंड को हिला के रख दिया, पूरे उत्तराखंड की महिलाओं का मनोबल तोड़ के रख दिया है। सरकार कानून व्यवस्था की बात करती है, एक हमारी बेटी की हत्या हो जाती है और सरकार सबूत मिटाने में लग जाती है। उसके खिलाफ ऋषिकेश में पिछले 51 दिन से धरना चल रहा है, 17 दिन से आमरण अनशन चल रहा है, तो उनके समर्थन में हमारे नेता लोग रोज आ रहे हैं। हमारे युवा न्याय संघर्ष समिति के सभी अध्यक्ष और सदस्यों को मैं बधाई देता हूं कि उनके अंदर ये जज्बा है, उन युवाओं ने ये पहल करी है कि अंकिता को न्याय मिलना चाहिए। उन युवाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, उनको समर्थन करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। हमने विधानसभा में भी इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाया, इन युवाओं के साथ मिलकर इस पर संघर्ष करेंगे। लक्सन नगर पालिका परिषद में नगर पालिका चेयरमैन और कुछ सभासदों के बीच अक्सर मामला गरमाया रहता है और बीते कुछ दिनों पहले नगर पालिका चेयरमैन और एक सभासद के बीच गाली गलौज के बाद दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने का मामला भी प्रकाश में आया था और अब एक बार फिर से निविदाएं निकालने को लेकर सभासद और नगर पालिका अध्यक्ष आमने सामने हैं। नगर पालिका परिषद की ओर से कुछ कार्यों की निविदाएं निकाल कर उनके ठेकेदारी प्रणाली से ही टेंडर किए जाने थे लेकिन नगर पालिका चेयरमैन के द्वारा किसी भी कार्य की ना हो और निंदा इसको लेकर प्रसारित कार्य किए गए और नहीं सभासदों के बीच टेंडर प्रक्रिया अपनाई गई और जब सभासदों ने मामले में नगर पालिका चेयरमैन से बात की तो उन्होंने सभासदों को बेतुका जवाब दिया जिससे नाराज होकर सभासद बीते कल धरने पर बैठ गए। सभासदों के धरने पर बैठने के बाद सभासदों ने नगर पालिका के कर्मचारियों को भी लगभग 1 घंटे से भी ज्यादा तक बंधक बनाकर रखा और इसकी सूचना मिलते ही लक्सर उप जिलाधिकारी गोपाल राम बिनवाल ने मामले में हस्तक्षेप किया और धरना समाप्त करा दिया। और सूचना मिलने पर हमने आज सभासदों से जानकारी ली तो धरने पर बैठने वाले सभासदों ने कहा कि जब सभासद के पास कोई अधिकारी नहीं है, जनता हमें वोट देकर यहाँ तक भेजती है, हम उसके काम नहीं आ सकते। सभासद के ऐसे चुनाव को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए और साथ ही धरने पर बैठे सभासदों ने आरोप लगाया कि नगर पालिका परिषद में उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। नहीं, इस विषय में किसी प्रकार की घपलेबाजी तो कहना उचित नहीं होगा। जो भी प्रक्रिया है वो पूर्णतः पारदर्शी और व्यापक प्रचार प्रसार के माध्यम से है, तो इसके अलावा कोई भी अगर बिंदु है विस्तारपूर्वक उनसे बैठ के चर्चा की जाएगी, कहाँ कन्फ्यूजन है। नहीं सर, सभासदों को ये भी कहना, जो यहाँ जो पेपर है, जो अखबार प्रचलित नहीं है उसमें विज्ञापन देते हैं, जहाँ के अखबार है उनमें रेगुलर विज्ञापन नहीं दिया जाता है टेंडर प्रक्रिया का, ऐसा क्या? ऐसा तो कोई बिंदु नहीं है, व्यापक प्रचार प्रसार हर चीज का हुआ है, वित्तीय सीमा के अंतर्गत जहाँ जाना चाहिए प्रकाशन के लिए निविदा कोटेशन गई। मामला ये है कि हम किसी भी कार्य को लेकर नगर पालिका में कोई भी सूचना मिलती है हम मांगते हैं तो हमें अभद्र जवाब मिलता है और सीधा कहा जाता है कि अध्यक्ष बात कर लो। और हम आज धरने पे इसलिए बैठे कि एक टचिंग ग्राउंड का और लाइट का मामला हमारे सामने आया, हमने उसकी पत्रावली मांगी तो उन्होंने देने को ना कर दी। लेकिन मेरे वार्ड में जो मैं कार्य के लिए गया था अध्यक्ष के पास, उन्होंने मुझे अर्धता का व्यवहार किया, गाली गलौज करा, उन्होंने मेरा मुकदमा दर्ज कराया। मैं तो ये चाहता हूँ कि विकास कार्य हो, रुके ना, और वे लोग ये लोग मेरे साथ बैठे हैं, ये मेरे साथ हैं सब कर्मचारी, बंधक बनाए कर्मचारी बंधक बना रखे हैं क्योंकि ये भी व्यवहार इनका अच्छा नहीं है। ये भी ये कहते हैं कि अध्यक्ष जी जो करेंगे अध्यक्ष जी करेंगे। मामला ये है कि हम लोगों को जनता ने जो चुन के भेजा है
हम उसके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, जनता हमारी सर्वोपरि है और उन विकास कार्यों के मुद्दों को लेकर हम यहाँ बात कर रहे हैं। लगातार अध्यक्ष महोदय द्वारा जो है द्वेष भावनापूर्ण विरोधाभास किया जा रहा है, हमारे वार्ड के काम रोके जा रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ लक्सर से संवाददाता परवीन सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवीन सैनी, पूरा मामला क्या है? देखिए बिल्कुल सुमन, बताना चाहूंगा कि लक्सर में ये कोई पहला मामला नहीं है। जब से नगर पालिका के चेयरमैन बने थे और जिसने सभासद थे, इनके बीच लगातार विवाद की स्थिति बनी रहती है और इसी प्रश्न को लेकर जब भी सभासद चेयरमैन से या नगर पंचायत ईओ से बात करना चाहते हैं तो उनका सीधा आरोप रहता है कि चेयरमैन हो या नगर पालिका ईओ, वो उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं और जो टेंडर प्रक्रिया होती है उनमें भी आज तक जो मीटिंग होनी चाहिए या इनकी जो भी प्रक्रिया है उसमें कोई भी सभासद को नहीं बुलाया जाता और फर्जी तरीके से ये टेंडर कर दिए जाते हैं। लगातार यही सिलसिला लगभग पिछले 4 माह से चल रहा है कि जितने भी टेंडर होते हैं उनमें कहीं ना कहीं जो गड़बड़ी देखने को मिलती है उसी के लिए जो यहाँ के सभासद हैं वो ईओ साहब के पास पहुंचे और ईओ साहब का सीधा कहना था कि अगर कोई भी इसमें मामला है या कोई भी बात करनी है तो नगर पालिका अध्यक्ष ही करेगा। लेकिन साथ ही साथ जो हमारे सभासद है उनका यह भी कहना है कि अगर हर काम ईओ साहब ही करेंगे या अध्यक्ष साहब ही करेंगे तो जो क्षेत्रीय जनता, जिस क्षेत्रीय जनता ने हमको चुनकर सभासद बनाया है, उनके कार्य कैसे होंगे? क्योंकि जब भी बात आती है विकास कार्यों की तो कहीं ना कहीं जो इनका जो अपना दलाली टाइप है, अपने जो चाहते हैं ठेकेदार है उनको ही टेंडर प्रक्रिया उचित तरीके से दे देते हैं। और उनका एक साफ तौर पर यह भी बड़ा आरोप था कि जितने हमारे रेगुलर जो अखबार हैं उनमें यहाँ कर किसी में भी कोई विज्ञापन की जो प्रति आनी चाहिए वो नहीं आती है। टेंडर का समय या तो बाहर का कोई अखबार होता है जो चलन में नहीं है उनमें यहाँ विज्ञापन दे जाते हैं और उसी को लेकर इन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया और जो अधिकारी है उनको भी यहाँ के 1 घंटा लगभग इन्होंने बंधक बनाकर रखा। जी सुमन जी, प्रवीण, जैसे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है तो अभी तक इन लोगों को कोई आश्वासन दिया गया है? हाँ, हमारी जो नगर पंचायत ईओ है उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि चेयरमैन साहब और सभासद और साहब सभी बैठे हैं और एक जो मीटिंग है उसका आयोजन किया जाएगा, जो भी इनकी समस्या उसमें रखा जाएगा और इनका अगर समाधान नहीं होता है तो आगे की जो रणनीति सभासद उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर हमारी जो समस्या है, जो हमारे विकास कार्य है, अगर उनको सही तरीके से नहीं करा जाता तो आगे के लिए हम धरना प्रदर्शन करेंगे और उसके लिए हम लंबी कार्रवाई करने के भी तैयार है। जी सुमन जी, प्रवीण, आप हमारे साथ लगातार बने रहेंगे, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। लक्सर के डुमनपुरी बालावाली गांव के ग्रामीणों ने राशन डीलर के खिलाफ लक्सर के क्षेत्रीय खाद्य आपूर्ति अधिकारी से लेकर लक्सर उप जिलाधिकारी तक शिकायत की है। ग्रामीणों ने मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। खाद्य आपूर्ति कार्यालय पहुंचकर ग्रामीणों ने क्षेत्रीय खाद्य आपूर्ति अधिकारी से शिकायत करते हुए राशन डीलर पर आरोप लगाया कि वो निर्धारित कीमत से ज़्यादा कीमत वसूल कर रहा है और साथ ही 5 किलो प्रति कार्ड राशन कम उपलब्ध करा रहा है और इसके बाद भी दुकान समय से नहीं खोलता, केवल कुछ समय के लिए दुकान खोला जाता है और खोलकर दुकान खानापूर्ति की जाती है और साथ ही लोगों के साथ अभद्र व्यवहार भी किया जाता है। सरकारी राशन की ब्लैक मार्केटिंग भी चल रही है और ग्रामीणों ने राशन डीलर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। देखिए, अभी अभी कुछ डुमनपुरी बालावाली के ग्रामीण मेरे पास आए थे, एक शिकायती पत्र मुझे प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने कहा कि राशन विक्रेता के द्वारा जो है तो ओवर रेटिंग का उन्होंने बताया कि ज्यादा पैसे खाद्यान्न पे लिए जा रहे हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 2 दिन ही दुकान खोली जा रही है, कम समय के लिए दुकान खोलता है और इसके साथ साथ ये भी वो मेरे संज्ञान में लेकर आए हैं कि 5 किलो राशन कम दिया जा रहा है तोल में। इसके लिए मुझे अभी ये सूचना इनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है और इसमें जो है जल्दी मैं गाँव में पहुँच इसके नियमानुसार इसमें जो है जाँच करता हूँ। लगातार बने हुए हैं परवीन सैनी। परवीन सैनी, ग्रामीणों ने राशन डीलर पर आरोप लगाए हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए बिल्कुल, तुम्हें बताना चाहूंगा कि लक्सर क्षेत्र में ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है। लगातार आए दिन जो राशन डीलर के खिलाफ जो शिकायत आती रहती है और राशन डीलर अपनी मनमानी लगातार करते रहते हैं। जो यहाँ के क्षेत्रीय खाद्य पूर्ति अधिकारी दिनेश शर्मा, ग्रामीण उनसे बात भी करते हैं लेकिन वो मौके पर तो जाते हैं लेकिन जो शिकायत है उनको कहीं तक आज तक भी किसी का कोई भी निस्तारण नहीं कर पाए हैं। और जो डुमनपुरी गांव के जो ग्रामीण है उनका सीधा आरोप है कि जो वहां का राशन डीलर है महीने में 2 बार या 3 बार तो दुकान ही खोलता है राशन की और जो राशन भी देता है उसमें पर यूनिट के हिसाब, जैसे एक मेरा कार्ड है उसमें मेरी 10 यूनिट है तो 10 यूनिट की जगह 9 यूनिट का ही राशन देगा।
और इसी के साथ साथ जब राशन तो कम दे ही रहा है और जो गेहूं या चावल हमारा 2 रुपए या 3 रुपए किलो है उसमें भी वो 1 रुपया बढ़ोतरी लगातार करता है। ग्रामीणों की शिकायत, ग्रामीणों कई बार की शिकायत भी करो, ग्रामीणों का सीधा तौर पर ये भी आरोप है कि जो यहाँ के क्षेत्रीय खाद्य पूर्ति अधिकारी हैं उन्हीं की मिली भगत से जो राशन डीलर है काले बाजारी कर रहे हैं और जब तक ये काले बाजारी बंद तो वो लगातार धरना प्रदर्शन भी करेंगे और जो राशन डीलर है उन्होंने उसके हटाने की मांग भी की है लेकिन अभी तक ना तो क्षेत्रीय खाद्य पूर्ति अधिकारी तरफ से इस ओर कोई ध्यान दिया गया कि जो राशन डीलर है उसकी जांच की जाए और अनियमितता पाई जाती है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। लेकिन लक्सर क्षेत्र में राशन डीलर फिर भी अपनी इतनी मनमानी करते हैं, लगातार हर माह 1-2 राशन डीलर सस्पेंड भी होता है, उनकी दुकानें भी जब्त भी होती है लेकिन उसके बावजूद भी जो ग्रामीणों का राशन है उस पर ये कालाबाजारी का काम छोड़ने को तैयार नहीं है। जी सुमन जी परवीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। थरारी तहसील सभागार में लोक निर्माण विभाग के अधिकारी, राजस्व विभाग, वन विभाग और देवाल ब्लॉक के प्रमुख दर्शन दानू समेत देवाल के जनप्रतिनिधियों की एक बैठक आयोजन किया गया जिसमें देवाल विकास खंड में लोक निर्माण विभाग के अधीन लंबे समय से लंबित पड़ी सड़कों के निर्माण कार्य शुरू कराए जाने को लेकर चर्चा हुई है। जिसमें मोपटा तिलियापाटा है, मेलखेत भमन बेड़ा है, घेस सरमता है और चन्याली नागार सड़क है, इस पर जल्द से जल्द सर्वे करने के लिए हमने बोला है और मुझे लगता है कि 10-15 दिन के भीतर ये सर्वे पूर्ण हो जाएगी। साथ ही जो हमारे 2-3 पुल हैं, चाहे ओडर जो पुल है जो लंबे समय से 2013 की आपदा में बह गया था, हरमल का पुल है, सुपलीगाड़ का पुल है और मुझे बताते हुए खुशी है कि इन दो पुलों पर हमारा जो ओडर का पुल है और सुपलीगाड़ का पुल वर्ल्ड बैंक से इसमें स्वीकृति मिल चुकी है और जो हरमल का पुल है उसको मोटल पुल के रूप में प्राथमिक आंकड़े उन्होंने शासन को प्रेषित कर दिया है। साथ ही जो हमारे 2-3 सड़कें और थी, कलपट्टा गुवेला है, सुनीगाड़ है, इस पे शासन को एस्टिमेट भेज दिए हैं। धुरा धरा नंदकेश्वरी धरा सड़क है, इसमें शासन को उन्होंने DPR भेज दी है, मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी स्वीकृति मिलेगी। इसी विषय को लेकर आज बैठक हुई थी और एक पॉजिटिव बैठक रही है, मुझे उम्मीद है कि विभाग और सभी जनप्रतिनिधि आपस में समन्वय करके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।